बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। आज हम काली मिर्चों का गोश्त बनाएंगे। बीफ में बहुत आसान, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, इसको गर्म करके 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप किए हैं, फाइन चॉप कर ली, और इसको मैं इसमें थोड़ा सा तल लूँगी। बहुत कम मसाले होते हैं और बहुत ही मज़े का होता है इसको। आप नान से, रोटी से, पराठे से खाएं, बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें। प्याज थोड़ी सौते हो जाए हमारी, 10 से 12 काली मिर्चें ऐड किए इसमें। आप चाहें तो इसको मोटा मोटा कुचल के भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, 750 ग्राम्स बीफ है, छोटी छोटी बोटियों में मैंने काट लिया इसको। इसको अब मैं ऐड कर रही हूँ, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल तला तला गोश्त होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, बिल्कुल ग्रेवी नहीं होती है, खुश्क होता ही है, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। देखिए, 3 हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी कुचल ली हैं, थोड़े से जायके के लिए इसको ऐड कर रही हूँ, ताकि इसको हम अच्छे से तल लेंगे। 1 टीस्पून नमक का मैंने ऐड किया इसमें। अच्छे से तल के इसको हम, और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उसको 35 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे, स्लो फ्लेम पे। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ उसको, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, बस 1 कप ऐड किया है मैंने इसमें, और इसको कवर करके 35 मिनट्स के लिए हम लगा देंगे। देखें, 35 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। अभी हम इसको भूना है थोड़ा सा, और इसमें मैं 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दही के ऐड किए हैं फेंट के। अभी तक देखें हमने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी कुचली हुई इसमें ऐड की थी। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। ये देखिए, अच्छे से भून गया है। थोड़ा सा इसके अंदर में 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड की हैं पिसी हुई। गोश्त आपका ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से बढ़ा लें। हाफ टी स्पून से भी बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही था ये काली मिर्चें। थोड़ी सी अदरक ऐड कर रही हूँ इसमें, बिल्कुल हमारा बीफ रेडी है। थोड़ी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए, बिल्कुल खुश्क गोश्त है ये, बहुत मज़े का लगता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से गला लीजिएगा तो इसमें टेस्ट आएगा। कोई इसमें ग्रेवी नहीं है, कोई मसाले नहीं है। कलर देखें आप कितना खूबसूरत सा आया है। देखें आप, हमारी बीफ ब्लैक पेपर में बिल्कुल तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको उम्मीद है तो बहुत पसंद आएगा इसको। इसको आप देखें, कलर देखें आप कितना खूबसूरत बोटियों का कलर आया है, बहुत मज़े का लगता है। पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। मेरे चैनल पे जो नए जल्दी भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।